गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की लिमिटेशंस, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। तो देखिए, आज हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं, इसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन। देखिए बेटा, इसका मतलब यह है कि जो आपका सॉलिड होगा यहां पर, वो सॉल्यूट के रूप में काम करेगा, और इन सॉलिड जो ये सॉल्यूट होगा आपका, ये आपका सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, ये आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सब्स्टी फ्यूजनल सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। यहां पर आपके दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक आपका सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन, एक है आपका इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए, फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, कि आपके पास एक सॉलिड है, और उस सॉलिड के अंदर जो एटम्स है, आयंस है, या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उन एटम्स को किसी दूसरे सॉलिड के एटम, आयन या मॉलिक्यूल से आप क्या करा देते हैं, सिमिलर साइज के एटम, आयन या मॉलिक्यूल से रिप्लेस करा देते हैं। और जब आपको जो सॉलिड मिले, उस टाइप को सॉलिड को आप क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि एक डायग्राम बनाते हैं कि आपके पास एक डायग्राम है, ये आपके पास एक सॉलिड सॉल्यूशन है बेटा। हम क्या करते हैं, इनका एक ये वाला एटम निकाल देते हैं, और इसकी जगह किसी दूसरे सॉलिड का एटम डाल देते हैं, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। इसी तरीके से हम यहां से मान लीजिए इस एटम को बाहर निकाल देते हैं, और इसकी जगह दूसरे सॉलिड का एटम डाल देते हैं, जिसको अलग से शो किया है हमने कि ये आपके दूसरे सॉलिड का एटम कर सकते। ओके बेटा, तो आप यहां पर कैसे देखेंगे कि सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका सॉलिड है। तो देखिए, जो आपका कंपाउंड में प्रेजेंट है वो क्या होता है बेटा, सॉल्यूट। तो यहां पर आपने देखा कि ये चीज जो हमने लाइन से ड्रॉ किया है, ये चीज अलग शो की है, ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है। और जितने ये सर्कल्स हैं, ये आपके क्या है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इनको आप क्या बोलेंगे, दैट इज सॉल्वेंट। तो ये इस टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर बेटा, अगले सॉलिड पे चलते हैं। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल है इनका आपका ब्रास हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, एंड सो ऑन। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट सॉलिड पे चलते हैं। नेक्स्ट सॉलिड है आपका इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए बेटा, वैसे ही हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक लाइन और बना देते हैं। तो देखिए, जो इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका ये एक सॉलिड है बेटा, इस सॉलिड के अंदर जो ये गैप है,
ये देख रहे हैं आप, इन गैप्स को आप क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं, वॉइड, होल वॉइड बोला जाता है। तो देखिए बेटा, जो ये लैटिस साइट होती है इनको बोला जाता है होस्ट। क्या बोला जाता है? होस्ट। आप क्या करते हैं, किसी दूसरे सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, बट वो आयंस का जो साइज होगा, या एटम होंगे या मॉलिक्यूल होगा, वो बहुत ही छोटा होगा, स्मॉल होगा। तो वो आप कहां पर एडजस्ट कर सकते हैं? इनके इस वॉइड्स में आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो सॉलिड आपके तैयार होते हैं, इस टाइप के सॉलिड को आप क्या बोलते हैं? दैट इज इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर होगी बेटा बात? तो इसमें एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि आपका टंगस्टन कार्बाइड का जो सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर ये होता है कि आपके टंगस्टन जो होंगे आपके लैटिस साइड पर प्रेजेंट होंगे, और जो कार्बन होंगे वो आपके इंटरस्टीशियल वॉइड पर प्रेजेंट होंगे। ओके बेटा, इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं? इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, यहां पर आपका सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड फिनिश हो चुका है। अब आगे चलते हैं कि नए टर्म नई टर्म है आपके पास, दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि वेपर्स का प्रेशर मींस किसी लिक्विड को आप हीट करते हैं तो वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो वेपर्स जो होंगे उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे उस लिक्विड के ऊपर या कंटेनर के ऊपर, तो उस प्रेशर को आप क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। देखिए एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा। आप एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, आपने क्या लिया? एक क्लोज कंटेनर लिया, उसके अंदर कुछ अमाउंट में लिक्विड फिल कर दिया आपने, मान लीजिए आपने वाटर को ही फिल कर दिया बेटा, ये क्या आपका वाटर। कुछ गैप आप यहां पर छोड़ देंगे कि आप जैसे ही ये वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स की फॉर्म में कब कन्वर्ट होंगे? जब आप इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे। ओके बेटा, गर्म करेंगे तो ये क्या होंगे? वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके बेटा, अब क्या नोटिस किया आपने? एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर, उसके अंदर आपने क्या किया? पानी को डाल दिया, और उस पानी को किसी ना किसी तरीके से आपने गर्म कर दिया। अब क्या होगा, पानी को गर्म कर दिया तो आप कुछ टाइम के बाद आपने टेम्परेचर को स्टेबल कर दिया। मान लीजिए आपने 70 करना था तो 70 आपने कर दिया, या 80 करना था 80 कर दिया, 90 करना था तो 90 कर दिया, मींस उसको स्टेबल कर दिया कि इतना ही रहे, ना कम ना ज्यादा। ओके बेटा, तो आप यहां पर क्या चीज नोटिस करेंगे कि जो एक लिक्विड है, लिक्विड से क्या निकल रहे हैं? वेपर्स निकल रहे हैं। After some time, जब यहां पर बहुत सारे वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा? ये वेपर्स आपके लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले आपने देखा कि क्या प्रोसेस हुई, कि लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को आपने क्या बोला? इवेपोरेशन। ओके बेटा, बट आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं कि ज्यादा वेपर्स यहां पर इकट्ठे हो गए, तो वो वेपर्स आपके आपस में टकराकर क्या करेंगे? एक कंडेंसेशन प्रोसेस शो करेंगे। तो क्या होंगे बेटा? ये वेपर्स आपके वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके बेटा, अब आप ये देखिए, जब आपकी एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिसमें आपकी इवेपोरेशन प्रोसेस और कंडेंसेशन प्रोसेस बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, उस दौरान क्या होगा कि ये जो वेपर्स होंगे, लिक्विड से जो वेपर्स निकले हैं, ये वेपर्स क्या करेंगे बेटा? इस कंटेनर के ऊपर साइडों में और इस लिक्विड के ऊपर भी क्या करेंगे? एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बेटा, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इस तरह के प्रेशर को आप क्या बोलते हैं? दैट इज वेपर प्रेशर। इज इट क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं
जो वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर, सबसे पहला फैक्टर है बेटा आपका कि नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड कि आपने जो कंटेनर के अंदर लिक्विड डाला है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। तो देखिए बेटा, आपने कंटेनर के अंदर लिक्विड डाला तो इस लिक्विड का कंटेनर कैसा होना चाहिए, जो इस लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा होना चाहिए बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके वीक होंगे तो जैसे ही क्या होंगे, वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, मींस इजीली जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड को लीव कर देंगे बेटा, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप टेम्परेचर को राइज करेंगे तो क्या होगा, नेचर ऑफ द लिक्विड कैसा होना चाहिए, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वीक होना चाहिए। वीक होने की वजह से क्या होती है, वो लिक्विड को इजीली लीव कर सकेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर के ऊपर, तो देखिए बेटा जैसे कि ये कंटेनर है, आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं और हमने बात ये भी कही थी पिछले फैक्टर में कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। जैसे आप टेम्परेचर को राइज करें तो क्या होगा बेटा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो उनके बीच में क्या होगी बेटा, उनका जो बॉन्ड होगा वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा तो जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, एबिलिटी टू डू मूव, जो आपके एटम्स हैं वो क्या होंगे, तेजी से मूव करना स्टार्ट करेंगे, मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो सॉल्यूशन से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, तो जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं क्या होगा, जो आपके पार्टिकल्स है लिक्विड को आपको लीक करना स्टार्ट कर देंगे, वो वेपर्स की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके बेटा, ये क्या थे आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पढ़ा आपने कि क्या होता है, उसके फैक्टर्स पढ़े आपने, और क्या पढ़ा आज की क्लास में, आपके सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, कि वो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप आपकी सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड और सेकंड टाइप आपकी इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर बेटा, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।